नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं एक ऐसी सब्जी के पौधे को ग्रो करना जिसके बीज आपके घर में ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और अगर करना भी है तो कैसे यूज़ करना है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे वीडियोज़ का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, यह है शिमला मिर्च। जी हाँ दोस्तों, यह है शिमला मिर्च का पौधा जिसको कि मैंने ग्रो किया था आज से करीबन 20-22 दिन पहले। ये देखिए, 6 अप्रैल को मैंने इसकी सीडलिंग करी थी और यकीन मानिए मैंने इसके सीड कहीं पे भी मार्केट से जाके परचेज नहीं किए थे और ना ही इसको मैंने लास्ट ईयर से कहीं से प्रिजर्व किया हुआ था कि मैंने वो सीड यूज़ किए हों। दोस्तों, बिल्कुल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही चीज़ मैंने अप्लाई की थी और एक बार आप भी करिए, यकीन मानिए आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो कि मुझे मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके घर में शिमला मिर्च आती है और ये साल के 12 महीने अवेलेबल रहती है मार्केट में और आपके घर पर आती है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक शिमला मिर्च लेना है को कट करना है और उसके बाद आपको इसमें कुछ मिलते हैं सीड। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, यही वो सीड हैं जिनका कि आप यूज सीडलिंग के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं इसके पौधे को ग्रो करना, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने सीड निकाले थे और उसके बाद इनको थोड़ी दिन रख दिया था लमसम एक हफ्ते के लिए छांव में सूखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसको डायरेक्टली सनलाइट में ना रखिएगा, नहीं तो ये आपके बीच ज़्यादा सूख जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ पर छांव हो और ये सूखने के बाद कुछ इस तरीके से ये सीड आपके तैयार हो जाते हैं। फिर हमको जो दूसरा स्टेप करना है वो ये है कि एक लेना है इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास और जो मैंने इसमें सॉइल यूज़ की हुई है वो है कोकोपीट, परमिकुलाइट और तीसरा ये परलाइट। दोस्तों, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है कि आप इस सॉइल को कैसे तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी सीडलिंग को बिना मिट्टी यूज़ किए भी कर सकते हैं और इस तरीके का रिजल्ट पा सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है और वीडियो के अंत में इस वीडियो का लिंक भी आएगा, तो आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये मैंने एक अपनी सॉइल तैयार कर ली है डिस्पोजल ग्लास में। अब मैं लूंगा इसमें कुछ इसके सीड और इनको यहाँ पे जर्मिनेशन के लिए लगा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, और अब मैं इसको आहिस्ते से इसको ढक दूंगा और इसके ऊपर थोड़ी सी ये सॉइल और डाल दूंगा। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर देंगे। ये करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो ये हम ऊपर से भी थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं। अगर आप नहीं भी डालते हैं तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नीचे लगा हुआ है इसमें कपड़ा। आप इसको किसी भी इस तरीके की ट्रे में रख कर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये नेक्स्ट 20-30 मिनट में अपनी रिक्वायरमेंट का पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद दोस्तों, इसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना है, इसको रखना है ऐसे प्लेस पे जहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग की हल्की हल्की धूप आती हो, बाकी टाइम डे टाइम में सन रिफ्लेक्शन आता हो और जहाँ का टेम्परेचर 25-35 डिग्री के बीच में हो, तो हम इसको उस प्लेस पर रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इस तरीके की ट्रांसपेरेंट फॉइल लेंगे
और उससे हम इसको पूरा पैक कर देंगे इस डोरी की हेल्प से। तो अब इस तरीके से इसको पैक करने से ये होगा कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा, इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा जो कि आपकी सीडलिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा करेगा हेल्प। उसके बाद जब आपको इसमें अंकुर निकलते हुए दिख जाएं और आपको अपने सीड ग्रो होते हुए दिखने लगे तो आप इस फॉइल को हटा दें। और दोस्तों जब ये रिजल्ट कुछ इस तरीके का इतना बड़ा हो जाएगा तब आप इसको इस ग्लास से बाहर निकालें और एक एक पौधे को इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग में क्योंकि धूप होने लगी है तेज, तो इवनिंग के टाइम पे अपने घर की क्यारी में या अपने घर के पॉट में इसको लगाएं और पाएं ढेर सारी शिमला मिर्च। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो क्या क्या करना है। दोस्तों कुछ नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अगर ऐसे प्लेस पे हैं जहां पर आपको गोबर की खाद इजिली अवेलेबल है तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आपको करना है 60% गार्डन सॉइल और उसमें 40% गोबर की खाद को ऐड कर देना है, बाकी इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है और आपको मिलेगा बहुत अच्छा रिजल्ट। तो ये है 30 दिन के बाद पौधे का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने वो पौधे ग्रो किए थे उसमें से एक पौधा मैंने इस पॉट में लगाया हुआ है और जिसने कि आप देख भी सकते हैं कि अब ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और दूसरा पौधा मैंने इस क्यारी में लगाया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए ये भी अच्छे से चल रहा है। और ये तो दोस्तों ये है रिजल्ट 4 महीने के बाद का। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें शिमला मिर्च आ गई है और ये काफी अब हो गई है बड़ी। दोस्तों ये पौधा मैंने क्यारी में लगाया था जिसमें कि ये शिमला मिर्च आई हैं। तो दोस्तों ये है मेरा दूसरा शिमला मिर्च का पौधा जिसको कि मैंने पॉट में ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन इतनी बारिश होने की वजह से ये पौधा ऑलमोस्ट खराब हो गया। अभी मैंने इसकी पूरी प्रूनिंग कर दी है और उसके बाद इसकी सॉइल थोड़ा सा ठीक करी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाला टाइम में इसमें भी ये अच्छे से ग्रो करेगा तो इसमें भी आएंगे ढेर सारे शिमला मिर्च। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज़ रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरे वीडियोज़ को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन पर क्लिक करें। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।